आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। देखिए, हम स्टीफन हॉकिंग की ग्रेट बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का रिव्यू कर रहे हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको ज़रूर देखिएगा, वरना जो इसमें मैं चीज़ें बताऊँगा वो समझ में थोड़ी नहीं आएंगी। देखिए, अभी तक हमने देखा था बिग बैंग थ्योरी क्या है, टाइम क्या है, टाइम की डेफिनेशन क्या है, पैराडॉक्स क्या है, और फिजिक्स के बारे में हमने बात की थी। अब हम कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? ब्लैक होल। बिल्कुल, आज हम सबसे दुनिया में सबसे डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक पे बात करेंगे, ब्लैक होल की। देखेंगे काफ़ी चीज़ें और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, काफ़ी इंटरेस्टिंग साइंस जो स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बुक में डिस्कस किए उसके बारे में बताएंगे। देखिए, ब्लैक होल को समझने से पहले सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि स्टार कैसे बनता है। अभी तक मैंने आपको बताया था नेबुलर थ्योरी, कांत और लैपलेस ने जो समझाई थी बिग बैंग के थ्रू, कि एक सिंगुलैरिटी होती है। सिंगुलैरिटी मतलब एक सिंगल पॉइंट होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें पूरा के पूरी स्पेस, ग्रेविटी, सब कुछ वहाँ पे कन्फाइन रहती है। एक्सप्लोजन होता है, पूरी की पूरी गैलेक्सी एक्सपैंड होती जाती है, वेस्टेज इधर उधर बिखर जाता है, जिसको हम प्लैनेट्स, स्टार्स कहते हैं। अभी तक हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड ही होता जा रहा है। लेकिन एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ और है, ज़रूरी नहीं है, बहुत सी थ्योरीज कहती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार सिंगुलैरिटी हुई हो। हो सकता है एक और डायरेक्शन में सिंगुलैरिटी हुई हो, किसी और डायरेक्शन में सिंगुलैरिटी हुई हो, किसी और डायरेक्शन में सिंगुलैरिटी हुई हो, तो ऐसी करोड़ों सिंगुलैरिटी के भी चांसेस हैं। तो यानी ये यूनिवर्स नहीं है, यूनिवर्स मतलब एक वर्स, ये मल्टीवर्स भी हो सकता है। बिल्कुल, एक यूनिवर्स ज़रूरी नहीं है, ये मल्टीवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे स्टार कैसे बनता है। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स की। जैसे मान लीजिए कोई भी स्टार है, क्या होता है कि उसमें बहुत, किसी भी स्टार में बहुत ज़्यादा गैस होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब वो अट्रैक्ट करना उसको शुरू करती है, वो एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती जाता है, उसका जो साइज होता है स्टार का वो कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक टाइम पे क्या होता है, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और फ्यूज होने लगते हैं, और वो फ्यूज होते होते क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम बनाते हैं। मतलब गैसेस फ्यूज होती हैं और एक बड़ी चीज बनाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्टार है वो ग्लो करता रहता है। ठीक है, ये बेसिकली कहानी होती है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उसका मेन कारण होती है किसी भी स्टार को बनाने में। ठीक है, अब वो स्टार क्या करेगा, वो तब तक चमकेगा जब तक उसका कोर सही सलामत है। मैंने आपको बताया था सन का भी एक कोर है सेंट्रल में। आपको पता है कि सन से अर्थ में, मतलब जो सूरज की किरणें अर्थ तक कितने समय में आती हैं, कितना टाइम लगता है, 8 मिनट लगता है लगभग। लेकिन सन इतना बड़ा है कि जो उसके कोर से लेकर ऊपर तक पहुंचने में, उसकी सतह पर पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। आप समझ सकते हैं ना कि उसका साइज कितना बड़ा होगा सन का। तो सन तब तक चमकेगा, सन तब तक जलेगा, सूरज तब तक जलेगा जब तक उसका कोर एक्टिव है। जैसे ही कोर खत्म होगा वो क्या करेगा, ठंडा हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। खत्म कहने का मतलब ये है कि वो, अब बात समझिए, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था मार्स पे लाइफ थी। क्यों थी? क्योंकि मार्स का कोर एक्टिव था। कोर क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को बना के रखता है। ठीक है, अब कभी ना कभी तो सन का फ्यूल खत्म होगा ही 110% होना ही होना है। अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्यूज हो रहे हैं, हीलियम मॉलिक्यूल्स बनाते जा रहे हैं, ये एक चेन रिएक्शन की तरह ये चलती जा रही है। लेकिन कभी ना कभी खत्म होगा, जब खत्म होगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तभी तक कोई स्टार स्टेबल रहता है जब तक उसका कोर है, है कि नहीं भैया? जब आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तभी तक तो वो स्टेबल रहती है जब तक उसका पेट्रोल है। जैसे ही पेट्रोल खत्म होता है वो अनस्टेबल फॉर्म में आ जाती है ना? तो जैसे ही वो अनस्टेबल फॉर्म में आएगा, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेंगी, अगेन एक्ट करना शुरू करेंगी। उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या करेंगी, अनस्टेबल हो जाएंगी, अगेन अट्रैक्ट करना शुरू करेंगी, और उसको इतनी ज़्यादा वो अनस्टेबल हो जाएंगी कि उसको एक सिंगल स्पेस टाइम पॉइंट में उसको कन्फाइन कर देंगे, जिसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। मतलब अगर हम इसको एज अ होल देखें, सिंगुलैरिटी से यूनिवर्स शुरू हुआ और मतलब स्टार या जो भी गैलेक्सी सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ और वापस सिंगुलैरिटी पे ही खत्म होता है।
भैया हम मट्टी से जन्मे हैं, मट्टी में मिल जाएंगे, ऐसे ही यूनिवर्स की भी थ्योरी है। सिंगुलैरिटी पे खत्म हुआ, सिंगुलैरिटी पे शुरू हुआ, सिंगुलैरिटी पे ही खत्म होगा। और ये सबसे बेहतरीन तरीके से एस सुब्रमणियम चंद्रशेखर, जिनको नोबेल प्राइज मिला था ब्लैक होल के लिए ही मिला था, क्रिटिकल मास उन्होंने डिफाइन किया था कि इस क्रिटिकल मास को अगर आप पार कर लेते तो वो ब्लैक होल बन जाता है, जिसको सुब्रमणियम लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट भी कहते हैं। और उस ये सबसे पहले वन ऑफ द फर्स्ट बिगिनर्स थे ये, जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, और बड़े गर्व की हमारे लिए ये बात है। और अपनी बुक में इसका वर्णन भी करते हैं स्टीफन हॉकिंग, कि इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये चीज़ ऑब्जर्व की थी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ब्लैक होल के बारे में मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से ब्लैक होल बनता है। ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है, और जब वही अनस्टेबिलिटी बेसिकली होती है, जब बहुत कम फ्यूल रहता है उनके पास, फ्यूल होता ही नहीं है। अब यहां पे आती है गजब की बात। देखिए, इतनी भयानक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि लाइट तक बाहर नहीं जा पाती। मान लीजिए मेरे सामने ब्लैक होल क्रिएट हो गया, ठीक है, बहुत छोटा सा। अब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मैं बैठा हूं 50 फीट दूर पे, और एक ब्लैक होल 50 फीट दूर पे मेरे सामने है। एक इंसान उस ब्लैक होल के अंदर जा रहा है, बहुत कम डिस्टेंस है उस इंसान और ब्लैक होल की, 6 इंच की डिस्टेंस है। आपको पता है, मान लीजिए मैं 24 साल का हूं, मान लीजिए क्या मैं हूं ही 24 साल का, एक इंसान इतनी दूर पे खड़ा है, ठीक है। अब वो ब्लैक होल के अंदर जा रहा है, मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, वो इंसान जब तक अंदर जाएगा, सिर्फ 6 इंच की डिस्टेंस है, तब तक मैं 100 साल का हो जाऊंगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैंने बताया कि लाइट की स्पीड से ज्यादा आप कुछ बना ही नहीं सकते। 3 × 10⁸ m/s लाइट की स्पीड होती है, उससे ज्यादा या उससे उसके आसपास भी कोई भी ऐसी चीज बन ही नहीं सकती। लेकिन ब्लैक होल इतना पावरफुल होता है कि लाइट तक को बाहर जाने नहीं देता है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां तो वक्त ही रुक जाएगा, वहां तो टाइम रुक जाएगा। और भगवान शिव, देखिए अब मैं बताता हूँ कि हमारी माइथोलॉजी कैसे लिखी, इससे रिलेटेड है। साइंस क्या है ना, हमारे ऋषि मुनि जो थे, जो पहले के जो हमारे में बहुत ही ज्ञानी ऋषि मुनि थे, उनको सारी चीज़ें पहले से पता लग गई थी। लॉर्ड बुद्ध को भी पहले से पता लग गई थी, जीसस क्राइस्ट को भी पहले से पता लग गई थी, मोहम्मद को भी पहले से पता लग गई थी, सब चीज़ें पता लग गई थी। उनको ये भी पता था कि ऐसे कोई समझेगा नहीं, इसको धर्म में लपेट के समझाओ। हम व्रत रहते हैं, कोई भी भगवान ये नहीं कहता कि भूखा रहो, लेकिन साइंस ने प्रूव किया है कि अगर आप हफ्ते में एक बार खाना ना खाएं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है। भगवान शिव, महाकाल की क्यों पूजा की जाती है? उन्होंने वो तो टाइम से भी, उन्होंने टाइम को भी जीत लिया, उन्होंने टाइम को भी जीत लिया है। भगवान शिव को आप ऐसा ब्लैक होल कर सकते हैं, आप ऐसा ब्लैक होल, कि ब्लैक होल क्या करता है, हर चीज खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉयर। महादेव क्या है? डिस्ट्रॉयर। लेकिन महादेव ब्लैक होल से भी ऊपर चले गए हैं, उन्होंने वक्त को ही जीत लिया है। महाकाल है ना वो, इसीलिए तो उनकी पूजा की जाती है। उन्होंने वक्त, वक्त से आगे चले गए हैं, आप समझिए। वक्त उनके लिए, वक्त वक्त वक्त, हम वक्त के अधीन है, महादेव नहीं है, भगवान शिव है ही नहीं वक्त के अधीन, उन्होंने वक्त को जीत लिया है, वक्त उनके हिसाब से चलता है। अगर ये सही है, अगर ये सही है, तो इसका मतलब ब्लैक होल के ऊपर भी कोई चीज, कोई यूनिवर्स चल रहा है, या उसको भी कोई चीज कंट्रोल कर रही है। एक्सप्लोर करने की जरूरत है, इस पे बहुत रेगुलर रिसर्च की जरूरत है ना। तो माइथोलॉजी में हमारी सारी चीजें ऑलरेडी हैं, जो चीज अभी इन्वेंशन हो रही है वो सब लिखी जा चुकी हैं। समय का पहिया, काल चक्र जिसको हम कहते हैं, हमारे, अभी मैं भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक चीज बोली है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप, उन्होंने क्या, वैसे हर जगह आप इसको पाएंगे, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप होता है किसी इंसान का दिल दुखाना। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो उससे जो बद्दुआ वो निकालता है ना, मान लीजिए कि आपने किसी का दिल दुखाया तो बहुत इंसान दुखी होता है, तो जब इंसान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। अब मैं आपको थोड़ा दिमाग के बारे में बताता हूँ। हमारा दिमाग एक यूनिवर्स की तरह है, इसमें लाखों करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स को आप स्टार्स के उसमें कनेक्ट देख सकते हैं। जब बहुत ज्यादा आप दुखी होते हैं तो आपका जो माइंड है वो आपके हर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। अब उससे निकलती हैं भयानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं।
और जैसा कि मैंने बताया भैया, यहाँ पे तो एक बनिए तक के, एक बैंक तक के हिसाब, बैंक तक के पास आपके लेखो जोखो का हिसाब रहता है, कितने पैसे दिए, क्या है, सब हिसाब किताब यहाँ पे छोटी से छोटी जगह रहता है। अरे आपको क्या लगता है ऊपर हिसाब किताब नहीं हो रहा होगा? पूरा का पूरा यूनिवर्स इसीलिए इसी पे ही चलता है, लॉ ऑफ कर्मा इसी पे ही चलता है पूरा का पूरा। तो जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी ना, वो क्या करेंगी, यूनिवर्स के साथ जाएंगी, और जब वो यूनिवर्स के साथ मिलती हैं, बहुत ही स्ट्रांग फ्रीक्वेंसी की होती हैं, सबसे ज्यादा जब आप दुखी होती हैं ना, तो जो जो मैग्नेटिक वेव, तभी कभी भी आप जैसे बहुत स्ट्रांगली या बहुत ही जब लीन होके कोई भी आप विश मांगते हैं ना, वो पूरी हो जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने सपनों को पकड़ के रखिए, और बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप सुबह और शाम जो भी आपको बनना है, बस उसके बारे में एकदम एकदम क्या कहते हैं कि डेडिकेशन से प्रेयर कीजिए, आपको सच में वो मिलता है। ये सब कमाल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कमाल है। और वो जब यूनिवर्स से मिलेंगी, वही एनर्जी आपको वापस आएगी, क्योंकि आप अट्रैक्ट करेंगे ना, ये हर चीज़ इस दुनिया में अट्रैक्ट कर रही है, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे और वही एक पॉजिटिव फॉर्म में आपको वापस आएगी। अगर आप नेगेटिव है तो नेगेटिव फॉर्म में आएगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फॉर्म में आएगी। तो भैया किसी का दिल मत दुखाना, दुखाया है तो जाके अभी भी माफ़ी मांग लो किसी का भी। तो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में देखनी चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी, और भी आगे देखेंगे किस तरह से हमारी माइथोलॉजिस्ट पे काम करी, मैं पैरेलली आपको समझाता चलूंगा। तो ये था ब्लैक होल के बारे में। अब ऐसा कहते हैं कि ब्लैक होल से कुछ बाहर नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा सही नहीं है, कुछ पार्टिकल्स बाहर भी आते हैं, है ना? खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, ये तो न्यूक्लियर फिजिक्स का बेसिकली उन्होंने काफ़ी कुछ समझाया है, लेकिन फिर वो अगेन, लेकिन कुछ पार्टिकल्स बाहर आते हैं, और ब्लैक होल के जो जो सतह होती है उसको कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन का मतलब क्या होता है कि ब्लैक होल पूरा ब्लैक नहीं होता है, उसमें भी थोड़ी बहुत रोशनी होती है। कैसे थोड़ी बहुत रोशनी होती है? कि जो लाइट होती है ना, लाइट वहां पे ट्रैप हो जाती है और वो उसको एक तरह से जगमगा देती है। आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, नहीं देखी है तो क्रिस्टोफर नोलेन की वो एक मास्टरपीस है, जरूर उसको आज ही डाउनलोड करिए और जाके देखिए, बेहतरीन मूवी है। किसी भी इंसान को वो पहली बार में समझ नहीं आएगी, लेकिन इस लेक्चर, ये लेक्चर सुनने के बाद आपको मूवी पूरी तरह समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो उसमें हर एक चीज ब्लैक होल के बारे में, और ये जो टाइम डिस्टेंस है, और ये जो क्या कहते हैं कि जो टाइम ट्रैवल है, उसके बारे में उस मूवी में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो ये सारी चीजें थी ब्लैक होल के बारे में, और कुल मिलाकर इसका कंक्लूजन यही है कि हर चीज सिंगुलैरिटी पे ही शुरू होती है और सिंगुलैरिटी से पे ही खत्म होती है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि हमारे हिंदुओं में जलाया क्यों जाता है, हमारी बॉडीज को क्यों जलाया जाता है? क्योंकि हमारी बॉडीज पांच तत्व से मिलकर बनी है, अग्नि, स्पेस, वाटर और वगैरह वगैरह। तो जब हमारी बॉडी को जलाते हैं, हमारी बॉडी उसी पांच तत्वों में विलीन हो जाती है, और हमारा अल्टीमेट एम क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना, साइंटिफिक भाषा में जिसको कहते हैं, जब हमारी एनर्जी इस कॉस्मिक एनर्जी से मिल जाए। कॉस्मिक एनर्जी से मिलने का क्या मतलब है कि जैसे हम क्या हैं, हम स्पेस डस्ट हैं। जब ये दुनिया क्रिएट हुई, जब ये सब वेस्टेज हुई बिग बैंग में, तो हम भी तो बने ना, हम भी तो स्पेस की एनर्जी है। इसीलिए कहते हैं कि हम परमात्मा से रिलेटेड हैं, हमारी कॉस्मिक एनर्जी परमात्मा से रिलेटेड है। जब भी आप बहुत लीन होकर प्रार्थना करते हैं, आपकी कॉस्मिक एनर्जी बिल्कुल अलाइन हो जाती है, और वो जो बाहर एनर्जी है, आपको पता है जो चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो मार्स तक जा रही है, मार्स है पता नहीं कहाँ, इन्फाइनाइट तक जा रही है, इन्फाइनाइट पार्टिकल्स को पुश करते करते जा रही है ना? तो हमारी सारी कॉस्मिक एनर्जी एक लाइन में आ जाती है जब भी हम बहुत विलीन होकर पूजा करते हैं। और साइंस भी ये मानता है कि कोई ना कोई फोर्स तो ऐसी है जो इस दुनिया को चला रही है। साइंस इस समय भगवान को ही खोजने को में लगा है कि एक्चुअली भगवान है क्या, क्या पार्टिकल है, क्या फोर्स है, क्या है भगवान, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड बुद्धा, मोहम्मद, इन सब के पास था, है ना? एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है भाई। चलिए खैर, ये सब तो चलता ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम ये जानेंगे कि ब्लैक होल कितने बड़े होते हैं। देखिए ब्लैक होल बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ब्लैक होल छोटे बड़े का मतलब क्या होता है कि हो सकता है ये बहुत छोटा हो, बहुत छोटा मतलब एक बिंदु होता है, आप जो एक एक अपनी पेंसिल से या पेन से डॉट लगाते, हो सकता है उतना छोटा हो, या हो सकता है कि अर्थ से भी 20 गुना ज़्यादा बड़ा हो। ऐसे डिस्कवर किए जा चुके हैं, है ना? ये ब्लैक होल्स ऐसे सिग्नस, एक ब्लैक होल है जो जो ऑब्जर्व हम करते हैं, ऐसे ये सारे ब्लैक होल्स ऑलरेडी ऑब्जर्व किए जा चुके हैं,
है ना, तो छोटे से छोटा ब्लैक होल भी वही चीज करेगा जो बड़े से बड़ा ब्लैक होल करेगा। वो क्या करेगा, पूरी की पूरी क्या करेगा, हर चीज को अट्रैक्ट कर लेगा। ब्लैक होल से कुछ बच ही नहीं सकता। एक बिंदु समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके रूम में एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया, भगवान ऐसा ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर एक ब्लैक होल आपके एक छोटा सा डॉट है, वो पूरी की पूरी अर्थ को खा जाएगा। आप समझ सकते हैं ना, सब कुछ अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने जब ये पॉइंट अपने स्टूडेंट्स को, जब मैं बीएससी वालों को पढ़ा रहा था, तो मैंने ये जब पॉइंट रखा था, तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी थी कि अगर ये सब जो ब्लैक होल के अंदर जाता रहता है, तो उसका साइज इतना कम कैसे है, उसका साइज इतना छोटा कैसे है। वो इसलिए क्योंकि सिंगुलैरिटी का मतलब ही होता है इनफाइनाइट डेंसिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें इतनी ज्यादा रहती है कि किसी चीज को बाहर जाने देती ही नहीं, है ना। कंप्रेस्ड फाइल के तौर पे वो होती है, जैसे कंप्यूटर में कंप्रेस फाइल होती है ना, वैसे ही तौर पे उसको रखा जाता है। फिर एक टाइम पे जब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा खराब होगी, अगेन बिग बैंग होगा, यूनिवर्स की स्थापना होगी, है कि नहीं भैया। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो ब्लैक होल छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। एक चीज और होती है, वर्म होल्स। मुझे अभी स्ट्राइक किया, मैं इसकी स्लाइड बनाना भूल गया, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। वर्म होल क्या होता है, ये भी क्या कहते हैं कि आपके स्टीफन हॉकिंग ने बहुत ही अच्छे से बताया है। देखिए जीतम, वो कौन सी पिक्चर थी, वो माझी द माउंटेन मैन, उसमें क्या था, उसमें ये था कि एक पहाड़ होता है, पहाड़ के बीच से कोई रास्ता नहीं होता है, आपको घूम के जाना होता है। पहाड़ के बीच से रास्ता निकाल लीजिए, आप एक जो जो आपको पूरा दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है, वो आपको कितने टाइम में वो हो जाएगा, मुश्किल से आपको कितना टाइम लगेगा, 2-3 मिनट, बस 2-3 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा तो लगना ही नहीं है, है ना। वर्म होल ऐसे ही काम करते हैं। वर्म होल बेसिकली क्या होते हैं, ये ब्रिज होते हैं। ब्रिज मतलब क्या होता है, ये रास्ता बनाते हैं एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाने का। मतलब कहने का क्या है कि मान लीजिए अगर सैटर्न के पास, जैसे इंटरस्टेलर में जो मूवी है उसमें सैटर्न के पास एक वर्म होल होता है, जब ये साइंटिस्ट उस वर्म होल में घुसते हैं, वो उनको एक अलग गैलेक्सी ले जाते हैं। ऐसे किसी गैलेक्सी में जाने में अरबों खरबों पता नहीं कितने साल हो जाएंगे, लेकिन वर्म होल एक शॉर्टकट होता है। अब वर्म होल्स क्या करते हैं, यहां पे स्टीफन हॉकिंग एक चीज बताते हैं कि वर्म होल टाइम ट्रेवल भी कराते हैं। छोटे छोटे ब्लैक होल के छोटे भाई होते हैं वर्म होल्स। ये इसका मतलब ये है कि हो सकता है अगर आप वर्म होल में चले गए, आप वक्त के पीछे चले जाएं, आप टाइम के पीछे चले जाएं। और अगर आप वक्त के पीछे चले जाएं, मान लीजिए जैसे आपने वक्त के पीछे चले गए, आप 1945 में चले गए, 1939 में चले गए, आपने हिटलर को मार दिया। अभी मान लीजिए कोई इंसान पास्ट में गया है 1939 में और हिटलर को मार रहा है, पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, पूरे इवेंट चेंज हो जाएंगे, हिस्ट्री बदल जाएगी। मतलब अभी इसी वक्त, अगर मान लीजिए अभी, मान आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं, अभी किसी ने हत्या की है तो सारे इवेंट्स चेंज, ये दुनिया किसी और तरह की हो जाएगी और हर एक चीज अलग हो जाएगी फिर। यानी कि अगर आप कोई भी पीछे इवेंट चेंज करेंगे वर्म होल्स के थ्रू, तो इसका इफेक्ट यहां पे भी आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारी जिंदगी तो वैसे ही चल रही है। साइंस पूछता है ऐसा क्यों है, फिजिक्स के लॉज उसको रोक रोक देते हैं। अब फिजिक्स के क्या लॉस हैं वो हम नहीं बताएंगे, फिलहाल आप इतना समझिए कि फिजिक्स के जितने लॉस हैं वो इस चीज को कभी होने ही नहीं देंगे। डायमेंशंस की यहां पे बात आती है ना। अब द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, देखिए स्टीफन हॉकिंग एक चीज बताते हैं कि एक थ्योरी वो बनाना चाहते हैं, एक ऐसी थ्योरी जो सब कुछ एक्सप्लेन कर दे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई थ्योरी बन नहीं पाई है। सबसे पहले हमको क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे काम करती है कि नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल उस लेवल पे काम करती है, बिल्कुल मैक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और छोटे छोटे पार्टिकल्स से वो डील करती है। इसको आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कंबाइन करिए, मतलब जनरल रिलेटिविटी जो है उसको आप क्वांटम, जनरल रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन तीनों को कंबाइन करिए। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि ये हाइजनबर्ग ने बोला था कि आप एक टाइम पे किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर उसकी वेलोसिटी डिटरमाइन होगी तो उसकी पोजीशन सर्टेन अनसर्टेन हो जाएगी, और उसकी पोजीशन अनसर्टेन होगी तो उसकी वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी। आप दोनों को एक एक टाइम पे मेजर नहीं कर सकते, है ना।
तो इन तीनों को कंबाइन करते हैं, लेकिन जब इन तीनों को कंबाइन किया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और आपकी ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, तो बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस आ जाती हैं। लिमिटेशंस इन द सेंस कि इतनी ज़्यादा, देखिए फिजिक्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, मैथ्स के थ्रू। मैथ्स फिजिक्स के लिए ही बनाई गई है, हथियार है फिजिक्स को सॉल्व करने का। आपने कोई चीज़ बोल दी, आप उसको प्रूव कैसे करेंगे? मैथमेटिकल इक्वेशंस के ही थ्रू तो प्रूव करेंगे ना, ऐसे तो आप करेंगे नहीं, है कि नहीं? तो ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इतनी भयानक हो जाएंगी कि इसको सॉल्व करना नामुमकिन है लगभग, और अगर करना भी पड़ेगा तो पता नहीं कितनी बुकें और कितनी चीज़ें लग जाएंगी। तो इसीलिए बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप अगर देखेंगे, जो जो भी फिजिक्स बैकग्राउंड के होंगे, हम जब भी क्वांटम मैकेनिक्स की स्क्रोडिंगर इक्वेशन, मैंने बताया था ना, इस क्वांटम मैकेनिक्स में इक्वेशन सॉल्व करते हैं और उससे वेव फंक्शन निकालते हैं जो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है? जब भी आप उसको देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन एटम को लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, जहां पे एक इंसान को हैंडल करना है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। जहां 50 करोड़ इंसानों को हैंडल करना, तो वहां कॉम्प्लिकेशन बहुत आ जाते हैं, ठीक है? तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग फिलहाल तो अभी तक डेवलप नहीं हुई है। इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी साइंस अभी यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इनको, सारी थ्योरीज को एक में कंबाइन कर दिया जाए। लेकिन कोई यूनिफाइड थ्योरी नहीं है। यूनिफाइड थ्योरी का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया में तीन फोर्सेस काम कर रही हैं, चार हैं वैसे मोटे मोटे तौर पे देखा जाए, लेकिन तीन हैं, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिर वीक और स्ट्रांग में डिवाइडेड है। इन्हीं तीनों को कंबाइन करना है, और जब इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क है। होपफुली फ्यूचर में ज़रूर हो जाएगा, देखेंगे। और एक चीज़ और है कि आपको पता होगा कि सूरज को स्टडी करने के लिए, थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स में बता रहा हूँ, भारत भी अपना यान भेज रहा है। क्या नाम है उस यान का? कमेंट बॉक्स में बताइए क्या भेज रहा है भारत, मिशन का नाम क्या है, ठीक है? अब हम फाइनली अपने लेक्चर के कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे। हमने काफ़ी चीज़ें आपको बताई, काफ़ी चीज़ें देखी भी। अब ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी अगर आपको बहुत अच्छे से समझनी है तो मिशियो काकू के लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। जापानीज बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वो, और नैनो फील्ड में ही काम कर रहे हैं। प्लैंक्स स्केल है 10^-35, हबल स्केल है 10^25 मीटर में बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि आप मैक्सिमम नीचे कितना जा सकते हैं, 10^-35 मीटर तक, मैक्सिमम ऊपर कितना जा सकते हैं, 10^25 मीटर तक बस। हम कहाँ आ रहे हैं? हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। हमारी क्या औकात है? अरे हम 1 मीटर में आ रहे हैं। हमारी आप 10^-35, 10^25, इससे आगे आप देख नहीं सकते। इसके आगे अभी तक तो कुछ डेवलप नहीं हो पाया है। आप मैक्सिमम 10^25 तक देख सकते हैं, और मैक्सिमम नीचे 10^-35 बस। तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। हम जो यहाँ पे इतना लड़ मर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इतना लड़ मर रही हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतनी नफरत, हमारी कोई औकात नहीं है। हमारी इस यूनिवर्स के सामने कोई, एक दिन एक एस्टेरॉयड आएगा, सब खत्म। एक दिन तूफान, नेचर, देखिए हर चीज़ इस दुनिया में जीरो है, आप ये समझिए। स्टीफन हॉकिंग बताते हैं कि अगर कोई इंसान गड्ढा खोद रहा है तो जितनी मिट्टी वो निकाल रहा है उतनी मिट्टी बाहर भी भर रहा है वो, यानी कि जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव, ये सब चीज़ें बैलेंस हैं। एवरीथिंग इज जीरो, यही है लॉ ऑफ कर्मा। कर्म क्या बोलता है कि आप बेटा जैसा करोगे ना दूसरों के साथ, आपको वैसा ही मिलेगा। अगेन लॉर्ड बुद्धा की मैं बात बोलना चाहूंगा, उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज बोली थी, यू विल नॉट पनिश्ड फॉर योर एंगर, यू विल पनिश्ड बाय योर एंगर। समझ गए ना? आपने एक पौधा लगाया, ठीक है? अब आप, वो पौधा बड़ा होगा, कभी ना कभी बड़ा होगा। कुछ पौधे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और कुछ कुछ पौधों को बहुत टाइम लगता है। तो जो पौधे बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे वो तो बहुत जल्दी फल देंगे, लेकिन जिनको टाइम लगेगा वो बहुत बाद में फल देंगे। तो हमारे कर्म भी ऐसे ही हैं, ये पूरे यूनिवर्स से ही रिलेटेड है, ठीक है? स्टीफन हॉकिंग जो बताते हैं, हमारे कर्म भी ऐसे ही। अगर हम कोई भी चीज़ गलत बोलते हैं तो उसका फल हो सकता है इंस्टेंट मिल जाए, या हो सकता है उसको सालों लग जाए, लेकिन मिलता ज़रूर है। यही है हमारा लॉ ऑफ कर्मा, जो कि गजब की क्वांटम मैकेनिक्स इसमें इन्वॉल्व है। पता नहीं इंडियन, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही ना कि हमारे देश में, आप एक तरफ जर्मनी को देखिए, आप देख रहे हो, एक तरफ अमेरिका को देखिए, भरमार है नोबेल प्राइजेस की। हमारी बदकिस्मती ये रही है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पॉलिटिक्स में कोई साइंस का बंदा है ही नहीं। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से
उसमें सिर्फ और सिर्फ वकील भरे पड़े हैं। जब तक एक साइंस से कोई रिलेटेड एक बढ़िया एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला इंसान नहीं आएगा, हम इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी हम जाके दूसरे देशों की फिजिक्स को डेवलप कर रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है? जहाँ जब किसी देश की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है तो देश कैसे डेवलप करेगा? आप टेक्नोलॉजी डेवलप करिए, आपका फार्मिंग सेक्टर, आपका सब कुछ डेवलप हो जाएगा, और उसके लिए आपको फिजिक्स डेवलप करनी पड़ेगी ना। फिजिक्स कोई लेना नहीं चाहता है, ये बड़ी दिक्कत है। फिजिक्स में फेलोशिप्स नहीं है, तो ये एक बड़ा एक दर्द है और ये हमारे लिए बहुत खराब है, क्योंकि फिजिक्स में अभी तक भारत को खाली दो नोबेल प्राइज मिले हैं, एक सीवी रमन को मिला है और एक एस चंद्रशेखर को मिला है। जर्मनी एक इतना छोटा देश है, शायद पूरा यूपी और राजस्थान मिलके भी एक जर्मनी, मतलब जर्मनी इतना भी बड़ा ना हो कि यूपी और राजस्थान कंबाइन करके जितना बड़ा दोनों को मिला दीजिए उतना भी बड़ा जर्मनी नहीं होगा, लेकिन आप देखिए वो कितना, कहाँ उसने तरक्की कर ली है। ऐसा ही अमेरिका के साथ भी है, उनकी फिजिक्स डेवलप है, और ऐसे बहुत से देश हैं, इंग्लैंड फिजिक्स इतने, स्टीफन हॉकिंग इंग्लैंड के तो ही है। अब हमारे इतना सब कुछ टैलेंट होने के बावजूद अब वक्त आ गया है कि पॉलिटिक्स में फाइनली रिटन एग्जाम किए जाए, और पढ़े लिखे लोगों को बिल्कुल आगे आना चाहिए पॉलिटिक्स को डेवलप करने के लिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। खैर, हम यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बहुत जल्द एक लेक्चर दूंगा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पे, तब इस पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो फिलहाल नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? 10^-9 मीटर डायमेंशंस होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोग्राम करते हैं हम लोग। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन को प्रोग्राम कर रहे हैं, आप तो भगवान हो गए ना, आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना। भारत इसमें बहुत पीछे। इलेक्ट्रॉन को प्रोग्राम करने का मतलब है आपके पास कैंसर है। अरे सॉरी, आई एम रियली सॉरी, कभी कभी मैं आउट ऑफ द फ्लो चला जाता हूँ। आप भगवान करे ऐसी खराब खराब बीमारी किसी को ना हो। मान लीजिए कोई भी किसी बीमारी से ग्रसित है ना। अब नैनो टेक्नोलॉजी क्या करेगी? आप एक नैनो इंजेक्शन दीजिए, कैंसर हो, एड्स हो, कुछ भी हो, विद इन अ सेकेंड तुरंत सही हो जाएगा। वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आप शर्ट पहन लीजिए, नैनो शर्ट पहन लीजिए, आपको ठंडी नहीं लगेगी, क्योंकि जो नैनो टेक्नोलॉजी है, जो आपके पार्टिकल्स है, जो थिन फिल्म आपने बनाई हुई है, वो जो बाहर के पार्टिकल्स हैं उनको आने ही नहीं देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ माइथोलॉजी। हमारे पहले ज़माने में लोग इतने लंबे, भगवान शिव की हाइट 15 फिट होगी लगभग, लगभग 10 से 15 फिट। सोच सकते हैं कितने भीम का है, भगवान राम भी इतने लंबे होंगे। क्यों थे? नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से। वो अमर क्यों थे? नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से। जब भी आप खाना खाते हैं, हम बूढ़े क्यों होते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं उससे एंटीऑक्सीडेंट निकलते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? आपकी स्किन को सड़ाते हैं, आपको बुढ़ा करते हैं। मतलब जितना आप खा रहे हैं उतने ही आपका हार्मफुल भी, वो आप सबके साथ होते, चाहे आप कुछ भी खाइए। अब नैनो टेक्नोलॉजी या कुछ पार्टिकल्स क्या कहते हैं करते हैं, उन एंटीऑक्सीडेंट को मार देते हैं, उनको, उनके पार्टिकल्स को मार देते हैं, उनको पनपने ही नहीं देते हैं। तो जब एंटीऑक्सीडेंट रहेंगे ही नहीं, तब तो आप अमर हो गए ना, आप मरेंगे ही नहीं कभी। अमृत सोमरस, यही नैनो टेक्नोलॉजी थी वो उस समय की। और हमारे सब वेदों में तो पूरा लिखा हुआ है, बकायदा एक्सप्लोर ही नहीं कर रही है, क्या बताएं। मैं तो चाह रहा हूँ आप इसको इतना शेयर करें कि ये मिनिस्ट्री तक पहुंचे और तुरंत एक कॉलेज खोला जाए इसके लिए। तो हम इलेक्ट्रॉन को मैनिपुलेट करते हैं और उस हिसाब से हम चीज़ों को सही करते हैं, और बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी है। ऑस्ट्रेलिया चाइना में तो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट भी है, इंडिया इतनी प्रेवलेंट नहीं हो पा रही है, होपफुली आगे हो। वैसे अब जो सरकार, जो ये गवर्नमेंट है, ये तो दाद देनी पड़ेगी कि अब फाइनली जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो साइंस के क्षेत्र में थोड़ा अच्छा कदम ले रही है। उन्होंने अभी अभी फेलोशिप्स को भी बढ़ाया है। देखिए, सरकार अगर कुछ अच्छा काम करती है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना, और बुरा काम करती है तो उसको भी सामने लाना चाहिए। लेकिन साइंस के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का भी, नैनो स्टडी का भी उन्होंने कॉलेज खोला है, तो ये थोड़ा सा अब एक पुश है, लेकिन अभी भी उस स्तर पे नहीं है। ठीक है, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी होती है, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, पार्टिकल लेवल पे हम उतरते हैं। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? मान लीजिए मच्छर है, मच्छर में आपने विष डाल दिया, विष मच्छर के अंदर आपने पॉइजन डाल दिया। अब उस पॉइजन होंगे इलेक्ट्रॉन, उसको आपने प्रोग्राम कर दिया कि जाओ अमेरिका के प्रेसिडेंट को काटाओ, काटेगा अमेरिका के प्रेसिडेंट गए, है कि नहीं? तो ये तो खतरनाक भी है। तो जितने ज़्यादा इसके एडवांटेज है उतने ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है, लेकिन एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, इससे ऐसे ऐसे रेवोल्यूशनरी काम हो सकते हैं। अभी आपका फ़ोन बैटरी जो होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है ना, नैनो टेक्नोलॉजी के बाद आपकी बैटरी सालों साल चलेगी ऐसा होता है।
तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी डेवलप हो रही है, और आने वाली टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी ही है। ओके, देखिए अब ये हमारा कंप्लीशन है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बुक्स में अपनी बताई हैं, स्टीफन हॉकिंग ने। खाली एक नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको अपनी तरफ से बताया है, बाकी हॉकिंग को बहुत न्यूमरस अवार्ड्स मिले। ये तो बिल्कुल एक क्या कहते हैं कि बहुत अवार्ड मिले, बहुत ऑनर्स मिले, अनगिनत हैं वो। आप देखने बैठेंगे तो रात हो जाएगी, इतने उनको अवार्ड मिले। लेकिन सबसे बड़ा जो उनको एक ऑनर मिला है वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, उसमें एनरोल हैं, फेलोशिप उनको मिली हुई है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की। ये सबसे बड़ी उपाधि होती है किसी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी साइंस फेलो, किसी भी साइंस साइंटिस्ट के लिए ये सबसे बड़ी उपाधि है कि आपको फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी बनाया जाए। आइंस्टीन भी थे, न्यूटन भी थे, रामानुजम भी थे, ये सबसे बड़ी उपाधि होती है। तो अभी भी हम वो कैम्ब्रिज में काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत बढ़िया। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडैप्ट टू चेंज। वाह, कमाल है। आशा करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा, कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिली होंगी, और मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका ज़रूर आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कि कौन सा मिशन है सन पे जो हमारे भारत छोड़ रही है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा अगला लेक्चर के बारे में, गजब के इंसान पे अगला लेक्चर होने वाला है, गजब के साइंटिस्ट की हमने बात कर ली। अब हम वापस अपने फ्रीडम फाइटर्स पे आएंगे। इनका मानना था कि हमको आज़ादी चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कैसे चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को मानने वाले गजब के डिप्लोमैट, गजब के इंसान, गजब के फाइटर, वॉरियर कहूंगा मैंने, वॉरियर थे ये। कौन थे? मुझे लगता है बहुत लोगों को पता भी चल गया होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर। इंग्लिश वर्जन इसका बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। तब तक तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।